really can't. कैसे डरे हुए हैं, उस साइड ही निकलना पड़ेगा। और होते ही चाका घुस गया था घर में, तो सब लोग डरे हुए हैं। अनुज ट्रेन से आ गए हैं। दोस्तों ये बताइएगा ये कौन है जो ये बच्ची दिख रही है इसमें? मम्मा क्या कर रही हो? ले लेने बाहर बांध रही हूँ। ये लो अपना गार्डन लो। अरे ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते ओहो। अरे ये अरे वाला शब्द कहाँ से आया आपके पास? अरे लेकिन मैं नहीं, ये गलत है। तो फिर काजल काट रही है कद्दू। और जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हम लोग तो अच्छे हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो चलिए आप सब हमारे ब्लॉग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, देख सकते हैं कद्दू काटा जा रहा है। और किसको, क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ते तो हो सकता है ख़राब हो जाए। और आप सब कमेंट कीजिएगा, कद्दू को फ्रिज में रखने से ख़राब तो नहीं होगा ना? क्योंकि हम लोग अभी कंफ्यूज है, ठंडा होगा। हाँ, तभी तो खाएंगे। कैसे खाओगे बताओ? आपका नाम क्या है? मानसी। और पापा का नाम? कुछ दिखाओ। क्या दिखाओ? दिखाओ। वाह अब तो बहुत क्यूट हो, है ना? हाँ, आराम से आराम से। एक चीज आप सबको दिखाने जा रहे हैं, आप लोग गैस कीजिएगा बस क्या मतलब कि कौन है, ठीक है? चलिए खोल लेते हैं फोन को। दोस्तों ये बताइएगा ये कौन है जो ये बच्ची दिख रही है इसमें? मम्मा क्या बेटा, आप बोल रही थी मैं। तो आप सब बताइए, गैस कीजिएगा कौन है। और देखिए कितना क्यूट लग रही है ना। क्या बेटा, मुझे ऐसे में ये वाला फोटो है रियल वाला, लेकिन इसको थोड़ा सा साफ किए हैं क्योंकि काफी पुराना है ना, इसलिए। तो आप सब गैस कीजिए और कमेंट कीजिए, फिर हम बताएंगे अगले वीडियो में कि कौन है। और जिनका सही जवाब रहा हम कमेंट पिन कर देंगे, है ना? है ना बेटा? हाँ। कैसे पिन करोगे बताओ? पहले क्लिप करेंगे फिर पिन। वाह, पहले क्लिक करेंगे फिर पिन कर देंगे। ये क्यों हलवा बना रही हो उसको? अरे इसको ये निकाल रही हूँ ना, इस तरह का कर वो सुखा के। ये बीज है, सब्जी में बन जाएगा, इसको सुखा के भून देंगे। अच्छा हाँ, और मैं एक लगाऊंगी। आप मम्मी का हेल्प कराती हो? हाँ कराती हूँ मम्मा। हाँ बेटा, दो के पहले करेंगे इसमें कुल्ला ये लगाया है ना। आज है 13 अक्टूबर और मेरे ख्याल से कल या परसों दशहरा चढ़ जाएगा, है ना? तो मेला लगेगा, तो मानसी को नहीं ले जाएंगे मेला? तो क्या करोगे मानसी बताओ? ले जाएंगे ना बेटा। हाँ कुछ खा दूंगी मैं, खिलौने। ठीक है चलना बेटा चलना, आपके लिए बड़ा बड़ा खिलौने खरीद देंगे, है ना? क्यों रो रही हो? लेकिन आप फंसे तो इसलिए। नहीं नहीं, आपको लेके चलेंगे। आप हंस रहे थे। हम हंस रहे थे इसलिए। हाँ। आपका तो बर्थडे भी आ रहा है 19 तारीख को। हाँ, क्या बर्थडे नहीं आ रहा है? तो मानसी का बर्थडे में तो कैसे सेलिब्रेट होगा बताओ? बताओ, केक काटोगी? हाँ काटूंगी। कैसे? ऐसे। वाह। आपको ले चलेंगे, केक पसंद कर लेना, ठीक है? हाँ। कौन सा वाला? ड्रेस वाला। हाँ ड्रेस वाला खरीद लेना। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे पीछे पीछे दोनों माँ बेटी लगी रही। अभी मैं इस वाले घर में आराम से सो के वीडियो एडिट कर रहा था, रहा नहीं गया तो महारानी दौड़े चली आई। बोल। हाँ बेटा, आप तो सेम क्यों नहीं पहने हो? सेम वहाँ पे रहूँगा तो फिर वहाँ पे रहेंगे, बाहर निकलूँगा बाहर निकलेंगे, यहाँ आऊँगा यहाँ आ जाएंगे। मेरे बिना चैन नहीं आता, इतना प्यार मत करो काजल, बहुत तड़पोगी, बहुत तकलीफ होगा बेवजह तुम्हें। क्यों करते हो इतना मोहब्बत बताओ बताओ? मेरे तोन निकला इसलिए। बोपरी बोपरी क्या तो मानसी करती है, काजल तो बस खाली झगड़ा लड़ाई झगड़ा लड़ती रहती है, सुबह से 2 बार फिर हो चुका है अभी तक। लेकिन मानसी प्यार करती है बहुत ज़्यादा, है ना बेटा? खा ले।
दोस्तों लंच टाइम हो रहा है और सुबह हम लोग खाना नहीं बनाए थे क्योंकि सुबह में रात का जो पूड़ी और सब्जी था वही खा लिए थे और खीर भी था। और अभी खाना बनाने जा रहे हैं क्योंकि काजल का तबीयत थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही डाउन है। और क्योंकि कल पूरा काम पूरा दिन काम की थी, बहुत सारा कपड़ा धोई थी तो इसलिए थोड़ा तबीयत खराब है। तो चलिए हम खाना बना देते हैं और अभी प्याज ले लिए हैं, चलिए प्याज काटते हैं और उसके बाद से सब्जी बनाएंगे और चावल बनाएंगे। चावल धोने गई है काजल, ले आओ काजल। तभी आराम से तभी चावल धो के ला रही है और चलिए हम फटाफट से प्याज काट देते हैं। सो गुड मॉर्निंग और दोस्तों ये है नेक्स्ट डे एंड अभी सुबह सुबह हम लोग उठ गए हैं सब लोग। और मानसी अभी क्या करे बेटा, आ जाओ चलो बाहर चलो मेरे साथ। त्यों बेटा तेल लगाइयो, ठीक है। दोस्तों अभी धूप निकल चुका है बट ठंड लग रहा है और आजकल ना पता नहीं क्यों क्यों इतना ठंड लग रहा है पंखा उंखा चलाने में, रात में पूरा नाक जाम हो जा रहा है, शायद मौसम चेंजिंग की वजह से हो रहा है। तो चलिए आप सब बन रहे हैं हमारे साथ। क्या कर रही हो बेटा? वीडियो बना रही हूं। मम्मा का वीडियो बना रही हो? तो मानसी काजल का वीडियो बना रही है। हाँ मम्मा को दिखाओ। और काजल वहाँ पे मसाला पीस रही है और आज बन रहा है देख सकते हैं कद्दू की सब्जी, काफी टेस्टी होता है। अरे 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 अभी दोस्तों मैं नहा लिया है, नहा लिया हूँ सॉरी। हाँ अभी नहा लियो तो मानसी नहा लिया देखिए। और मैं भी अभी नहा धोके एक लोवर और एक टी शर्ट डाल लिया है और थोड़ा बहुत घर पे ही करने से पेट थोड़ा थोड़ा अंदर जा ही रहा है, देखिए बिल्कुल पुचकाया नहीं हुआ ऐसे ही है, कहने का मतलब ये देखिए। बट करेंगे डेली डेली ऐसे ही, पेट अंदर चला जाएगा ना क्योंकि पेट की वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। चलिए अब बनेगा सब्जी। और ना जैसे कि दशहरा कल से चढ़ जाएगा तो अभी हमारे पास वाले मार्केट में काफ़ी अच्छा सजावट हो रहा है, झंडा लगा है दुर्गा माता का, काफ़ी सुहाना लग रहा है मार्केट देखने में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये वाला सुनहरा पल और साल में एक बार आता है, इसके बाद से दिवाली छठ सारे त्यौहार जो है एक एक करके सब आने वाले हैं, बहुत ही खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और तभी सोनू आया तो मानसी कह रही आ जाओ मेरा फ्रेंड कोई नहीं है अभी खेलने के लिए बुलाई। कटा दिखाओ, मुझे दिखा तो कह रही है कि ओप्लेक्स चाहिए। ओप्लेक्स क्या होता है? लेकिन मैं चिपकाती हूँ वो चिपकाने वाला एक नहीं आता है हैंडो प्लस, वही वाला मानसी मांग रही, कह रही है कट गया देखो खून हो गया है पापा जल्दी से लाओ, अब मिल ही नहीं रहा कहाँ कटा, खाली झूठ बोलती है लेलन। नाराज हो गई। दोस्तों अभी देखिए सांप निकला है घर में, हम जूम कर रहे हैं थोड़ा, ये देखिए कैसे क्या किया जाए यार, इस घर में रहना ना जान पे खेलने के बराबर है ना। देखो कैसे डरे हुए हैं, आवाज कम बेटा, देखिए अभी भी वही है वो तेरी, क्या करें इसको, उस साइड से आया है, हम तो पूरा भर दिए थे लेकिन इधर नहीं है, ये तो रबड़ है देखिए उसी में है वो, घर में आ जाएगा तो मिलेगा ही नहीं, कैसे भी उस साइड ही निकलना पड़ेगा। एक बार और होते ही चका घुस गया था घर में सुबह के टाइम में 6 बजे 5 बजे हम दरवाजा खोल के बाहर गए, उधर से आए तो देखे घर में घुस गया, मिला ही नहीं, मैंने देखा है मच्छरदानी पहले लगा देते नहीं है ना, उसके बाद भागे लोग कैसे भगाए इसको, इधर से खोदेंगे कहीं अंदर में गिर गया तो, तू हमारे देखिए पकड़ के उछड़ा रास्ते नहीं के जा उन्हें जाए के रास्ते नहीं के ऊपर जाए तो जाए के वो जरूर एना इस अंदर से घुस सका तो पर रात भर सोना भी डर लगेगा कि अभी वहीं पे स्नेक पकड़े वाला नहीं था, कई गो स्नेक पकड़वाओगी डेली क्या बेटा, आराम से बोलो आपको डर नहीं लग रहा है?
हमको तो बहुत डर लगा। बुलाई काजल और मानसी को बाहर भेज रहे हैं और अनुज ट्रेन से आ गए हैं। हैं बोले था गंगा नहीं उतना ऊपर चढ़ सकता, बाकी दूसरे कोई भागोता पहुंचिए लो भागल हो भागल उसी में है। बाहर से निकलने का जगह नहीं, अंदर ही निकलेगा तो सब लोग डरे हुए हैं। ऐसे में दो देखा था मैंने लेकिन एक ही मिला, तो भाग गया उधर, भगा दिए बाहर इस साइड इधर साइड। लेकिन अभी एक और होगा कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा खतरा है साला, उसको तो डर लगता है। अब इधर से थोड़ा थोड़ा होल हो गया है, इसको भी कल बंद करेंगे होल को, फिर दिक्कत नहीं होगा। वो तो भगा दिए हैं लेकिन ये देखिए चींटियाँ इतना ज़्यादा निकली है, ये देखिए बाप रे। सांप जाने के बाद ये लोग अंडा ले लेके निकली है, ये बारिश का संकेत है। देखिए इधर भी आ रही है, जल्दी से मच्छरदानी लगा दो। देखिए पूरा फैल गई है चींटी, मेरे को लग रहा है कि अब हवा जब चलेगा ना पंखा तो हवा पे आएगी। देखो ये पूरा करकट पे जा रही है, देखो लाइन लगा। मिट्टी के दीवार में यही एक दिक्कत होता है, सीमेंट का होता ना तो कोई चींटी नहीं आती। इधर ये हाँ, इसका पूंछ कहाँ गया कजल? तो पीछे से चला रहा कोई काटा है, वो लोग अपना पूंछ काट देती है, ज्यादा भारी शरीर हो जाता है तो उसे चला नहीं जाता, इसलिए काट देती है। ऑटोमेटिक जन पी रहा था, अगर पूंछ हो बज के आगे पर पी जाएगा। अब यहाँ से भी निकलना शुरू हो गई चींटी, चारों तरफ छिपकली सांप चींटी और रखे तैंतन कर लक्ष्मण रेखा बाबू से कोनो फर्क ना पड़ा। यही बैठ के रात बिता रहे हैं, क्या करेंगे। लेकिन बहुत जल्द अब घर फिनिश करवाना है, बस एक रूम कैसे भी ना, है ना बेटा। मच्छरदानी लगा लेना तो घुस जाए चींटियां बिछानों में। लगा था लगन, ये नेक्स्ट डे वीडियो शूट कर रहे हैं और आप सभी का गुड मॉर्निंग। और देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ा बड़ा खुशखबरी और क्या क्या करने वाले हैं हम लोग, जैसे कि उस घर में क्या करेंगे और इस घर को भी कुछ कुछ करना है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, काम है जो कि इस घर में काम इस ब्लॉग में नहीं बताएंगे हम। चलिए अगले ब्लॉग में देखिएगा आप लोग क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, और बहुत ही इस घर में रहना तो बहुत ही खतरनाक है। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।